परवल की सब्ज़ी तो आप लोगों ने बहुत तरह से बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसमें मैंने मसालों का यूज़ नहीं किया है, बिना मसाले के साथ ही बनाया है मैंने, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने कुछ परवल, करीब 200 ग्राम के आसपास होगा परवल। तो इसका छिलका उतार लेंगे पहले। तो चाकू का जो पीछे वाला जो पार्ट होता है ना, उससे ही इसका छिलका उतारते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे मैं उतार रही हूँ, तो ऐसे ही करके मैं सारे परवल का छिलका उतार लूँगी। और यहाँ पे जो आप परवल यूज कीजिएगा ना, वो थोड़ा सा जो सॉफ्ट वाला परवल होता है ना, जो अंदर से बीज कम रहता है, अगर वो मिले तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसका परवल, जो परवल का जो बीज होता है ना, आप उसको निकाल दीजिएगा। जो हार्ड टाइप में जो बीज होता है ना, उसको आप निकाल दीजिएगा। तो मैंने जो यूज़ किया है, इसमें बीज तो था लेकिन बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा सॉफ्ट ही था। तो सारे परवल मैंने यहाँ पे छील लिए हैं, और देखिए इस तरह से इसको लंबा लंबा कट करेंगे। अगर परवल में बीज मोटा मोटा हो ना, तो उसको आप निकाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जैसे कि वो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इस तरह से इसको लंबा लंबा सा कट कर देंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इस तरह से मैंने सारे परवल को कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पर मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे मैं करीब 2-3 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तो जिस क्वांटिटी में परवल हो, उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। और फिर डाल रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे देगी मिर्च, और थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है सब्जी मसाला। मतलब मसाला मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इसमें, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें मसाला, बाकी और किसी भी मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। हल्दी पाउडर भी इसमें नहीं डालना है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिना पानी डाले इसको, क्योंकि परवल में नमक डाला है ना, तो उससे पानी छूटेगा, और ये देखिए इस तरह से मिक्स हो जाएगा। इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, वो गीला गीला सा हो जाएगा। फिर पैन में डाला है मैंने तेल, और तेल मीडियम गरम करेंगे, और उसके बाद इसमें परवल को डालेंगे। तो शुरू में तो मैंने अलग अलग ही डाला था, मुझे लगा कहीं चिपकेगा आपस में, लेकिन सेकंड बैच जब बनाया ना, तो मैंने एक साथ ही डाला था, तो ये चिपका नहीं था, मुझे लगा कहीं चिपक जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग करके डाला था। और ये इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है, आप यकीन मानिए, एक बार बनाइएगा ना, तो घर में डिमांड नहीं आया ना दोबारा, तो आप फिर कहिएगा। बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि मैंने जब बनाई थी ना, तो इतना बच्चे अभी उस दिन से फिर डेली जिद कर रहे हैं मम्मी बनाओ। तो मैंने एक दो बार और बनाया है ये रेसिपी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी, उड़ीसा की हैं वो मेरी फ्रेंड, तो उन्होंने बताया था मुझे, और मुझे बहुत पसंद आया था ये। तो बीच बीच में कभी कभी मैं बना लेती हूँ जब परवल का सीजन आता है तब। तो देखिए एक बैच हो गया है, इतना क्रिस्पी होता है ना, इसकी आवाज़ सुनिएगा आप, खाने में तो यकीन मानिए मज़ा आ जाता है खाने में। और इसको आप चावल के साथ खाइए, दाल चावल सब्जी, ये बहुत अच्छी लगती है। तो आज की रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे सेकंड बैच भी मैं डाल रही हूँ, और ये भी फ्राई हो गया है, तो ये चिपकता नहीं है, उसका टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। और बहुत फटाफट भी बन जाता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ईजी भी है बनाना, ज़्यादा इसमें मसालों की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हो गया है मेरा दोनों बैच। तो यही थी मेरी आज की रेसिपी, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोग से और दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।